हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में भैया अपन डिलीशन परफॉर्म करने वाले हैं फ्रॉम द एंड ऑफ अ DLL। मतलब DLL भैया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बन गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये चार नोड आपको दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लास्ट वाला नोड पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इसको निकाल देना है। ओके, तो लास्ट से भैया मुझे अपने नोड को डिलीट करना है, तो उसको कैसे करेंगे ये अभी अपने को समझना है। बिकॉज देखो यार, यहाँ पे तो अपने को विजुअली समझ आ रहा है, दिख रहा है कि लेट्स से यहाँ पे 4 नोड्स हैं, बराबर है, तो मेरा ये चौथा नोड उड़ने वाला है, ये आई नो दैट। ओके, बट जो सिचुएशंस आपके सामने आएंगे प्रोग्रामिंग में वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता यार कई बार तो, कि ये जो आपकी लिंक लिस्ट है वो कितनी लंबी है, उसमें कितने सारे नोड्स हैं, बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पे एक फैक्ट पता होता है कि ये जो लास्ट वाला नोड है ना, उसके नेक्स्ट में नल होता है, इतना तो हमें पता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम आखिरी नोड तक आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, उसको अभी हम पॉइंट कर रहे हैं, बराबर है। ये फैक्ट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये चार स्टेप अगर आप परफॉर्म कर दोगे, सिंपल है, तो भैया हो जाएगा उस लास्ट वाले नोड का खेल, उसको हम लोग कर देंगे भैया मुक्त, और वो हमारी लिंक लिस्ट से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पी और पी वन की, ये दो पॉइंटर्स की हमें यहाँ पे मदद पड़ने लगने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भैया पी वन ले लेता हूँ, यहाँ पे पी ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, जिनका टाइप है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर सेम है, जैसा कि आपका हेड का भी था स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, जैसा कि आपका नेक्स्ट और प्रीवियस का भी है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप के साथ। ओके, पहला स्टेप क्या होगा कि जो हेड है उसका वैल्यू हमें पी में दे देना है, मतलब ये जो हेड है इसमें 10 है, तो भैया इसमें भी 10 दे दो, मतलब पी के अंदर भी 10 दे दिया। अब 10 दे दिया तो मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर नोड को, सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक सिंपल सा स्टेप परफॉर्म करना है, यानी कि आपको अभी वाइल लूप में एंटर करना है। अभी आप पूछोगे वाइल लूप में क्यों एंटर करना है, पता चलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, और क्या चल रहा है हर स्टेप में, कैसी चीज़ें जो है परिवर्तित हो रही है वो आपको समझ में आएगा, दिखेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वाइल लूप में मैं एंटर करता हूँ, एंड मैं अभी देखता हूँ कि पी का नेक्स्ट मेरा नल है या नहीं, मतलब क्या कि मेरा पी अभी इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो वो इसके नेक्स्ट को जब एक्सेस करता है तो देखता है यहाँ पे 20 का आंकड़ा है, यहाँ पे 20 का आंकड़ा है, मतलब वो ये जो 10, 20, 30, 40 आप देख रहे हो, ये आपके क्या है, एड्रेस है ऑफ द रिस्पेक्टिव नोड। तो ऑब्वियसली बात है इस नोड के आगे कौन सा, ये नोड है जिसका एड्रेस 20, तो वो नेक्स्ट में मेंशन है, सिंपल है। तो यहाँ पे P नेक्स्ट जो है वो 20 है, एंड 20 इज नॉट इक्वल टू नल, 20 इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है, तो कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करोगे, वाइल लूप का जो कंटेंट है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। तो पहले एग्जीक्यूशन में अपन जो पहला स्टेटमेंट है वाइल लूप का, वो क्या है कि P की जो वैल्यू है P1 को भी दे दो, तो P की वैल्यू P1 को भी दे दो, तो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, सही बात है। अब ये भी इसे पॉइंट कर रहा है, बराबर है, ये भी अभी इसे पॉइंट कर रहा है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हो कि P नेक्स्ट इक्वल टू P, मतलब P अभी थोड़ा सा आगे खिसक गया। ओके, P क्या कर गया, अभी थोड़ा आगे खिसक गया, मतलब अब ये जो P नेक्स्ट है, P नेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू, 20, तो वो जो 20 वैल्यू है वो मैंने दे दी यहाँ पे P को, पहले 10 थी, अब वो वैल्यू आ गई 20, तो अब ये पॉइंट करेगा आपके इस रिस्पेक्टिव नोड को, सिंपल एज दैट। ओके, फिर से वापस लूप में जाएगा, कंडीशन चेक होगी, P नेक्स्ट इक्वल टू नल है क्या, मतलब ये आपका पॉइंटर जो है वो तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक वो लास्ट नोड को पॉइंट ना कर रहा हो, मतलब जहाँ पे P नेक्स्ट आपका नल होगा वहाँ पे वो रुकने वाला है, ठीक है। और P1 किस लिए है, पता चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, P1 भी आपको पता चलेगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है भैया, वापस वो चेक करता है, यहाँ पे 30 दिख रहा है जो कि नल नहीं है, तो वो वापस से एंटर करता है, और P इक्वल टू P1, मतलब क्या कि अब वो क्या कर रहा है कि ये जो वैल्यू है बेसिकली P की, उसकी खुद की जो वैल्यू है जो कि 20 है, वो दे देता है P1 को। तो अब ये उसने P1 को दे दी 20, और यहाँ पे अभी P1 आपका पॉइंट कर रहा है इसको, P1 आपका पॉइंट कर रहा है इसको, और फिर बाद में वो खुद को भी आगे बढ़ा लेता है, P खुद को आगे बढ़ाता है, यानी P नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे P नेक्स्ट 30 है, तो अब वो 30 इसमें आ जाएगा, 30 जैसे इसमें आ गया तो अभी वो क्या करेगा, आगे चलाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है कि P इज लाइक अ पेरेंट एंड P1 इज लाइक हिज चाइल्ड, P1 जो है उसका बच्चा है। तो क्या करता है, P पहले एक कदम आगे रखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सेफ है, बच्चे का हाथ खींचता है, अपने साथ ले लेता है, फिर थोड़ा सा आगे जाता है, एक स्टेप आगे पी जाता है, साइड में देखता है, सब कुछ सेफ है, बच्चे को आगे खींच लेता है, समझ में आ रहा है। तो ये वैसा ही चल रहा है, ये एक स्टेप आगे चलता है, चेक करता है, और आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा आगे लगे जो खींच लेता है, ठीक है। वापस से अब यार वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वापस से चेक होगा कि यहाँ पे तो 40 है लेकिन नेक्स्ट में तो यहाँ पे नल नहीं, मतलब कंडीशन ट्रू है, मतलब वो अंदर आ जाएगा और वो जो बच्चा है उसको खींच लेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये 20 का वापस 30 हो जाएगा, और ये दोनों अभी एक ही नोड यानी कि तीसरी नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं,
सिंपल इनफ। उसके बाद क्या होगा, वो खुद आगे बढ़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, यानी कि पी नेक्स्ट क्या है 40। तो अब यहाँ पे ये 30 का जो है 40 हो जाएगा और अभी ये बढ़ने वाला है आपकी इस आखिरी नोड की तरफ, सिंपल एज दैट। वहां पे वापस वो चेक करेगा कंडीशन कि क्या मेरा पी नेक्स्ट नल है या नहीं। तो वो बोल रहा है कि भैया पी नेक्स्ट, अगर आप देखोगे पी के नेक्स्ट में तो नल दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो आप सेकंड स्टेप के बाहर यानी कि व्हाइल लूप के बाहर आके खड़े हो जाओगे। तो अभी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पे P1 पॉइंट कर रहा है आपके सेकंड लास्ट एलिमेंट को, सेकंड लास्ट नोड को, और जो P है वो आपके पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को। यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे कि हमारे पॉइंटर्स जो है वो धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, कुछ इस फैशन में कि फाइनली एक पॉइंटर जो है आपके सेकंड लास्ट को पॉइंट करेगा और दूसरा पॉइंटर आपके लास्ट को पॉइंट करेगा। अब इन दोनों के मदद से हम खेल करने वाले हैं और उस खेल में ये जो प्लेयर है ये आउट होने वाला है, ठीक है। देखते हैं हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करते हैं। तीसरा स्टेप बड़ा ही सिंपल है, तीसरा स्टेप मतलब यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो तीसरा स्टेप बहुत ही आसान है। वो क्या है कि यहां पे जो P1 नेक्स्ट है, मतलब जो सेकंड लास्ट है, ओके, सेकंड लास्ट का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो क्लियर बता रहा है कि मेरे आगे एक नोड है। अगर वो ऐसा कहे कि मेरे आगे एक भी नोड नहीं है तो हो सकता है काम, सही बात है कि नहीं। अगर वो कहे कि मेरे आगे एक भी नोड नहीं है, इसका मतलब लिंक लिस्ट यहीं पे आपकी खत्म हो जाती है, बराबर है, बिकॉज ये फिर आपके लिंक लिस्ट का लास्ट नोड बन जाएगा। और ठीक मैंने यही किया, P1 मेरा पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इस नोड के अंदर अगर वो नेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करता तो 40 दिख रहा है। अब वहां मैंने 40 की जगह डाल दिया नल, मैंने क्या किया 40 की जगह डाल दिया नल, यहां पे 40 की जगह नल डाल दिया। इसका मतलब क्या कि अभी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहा, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहा, ये सिंपली बता रहा है कि भाई मेरे आगे एक भी एलिमेंट नहीं है। और ये वही नोड बता सकता है जो खुद लास्ट नोड हो, पहले तो लास्ट नोड ये था ना, बट अब ये लास्ट नोड बन गया है आपके लिंक लिस्ट का, बिकॉज इसने बोल दिया मेरे नेक्स्ट में कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, तो नल कर दिया। तो आपका ये जो भैया रिश्ता था वो टूट गया है और अभी अकेला पड़ गया आपका नोड, ओके। अब ये नोड अकेला पड़ गया तो भैया क्या करते हैं, उसकी जो मेमोरी एलोकेट की थी उसको अपन फ्री कर देते हैं, डी एलोकेट कर देते हैं। तो फ्री फंक्शन का यहाँ पे अपन ने इस्तेमाल किया, उसके अंदर पी मेंशन कर दिया, बिकॉज पी इज द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दैट रिस्पेक्टिव लास्ट नोड, ओके। और उसको मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। एंड दिस इज हाउ वी हैव सक्सेसफुली डिलीटेड अ पर्टिकुलर नोड फ्रॉम योर DLL एट फ्रॉम द एंड से अपन ने उसको निकाल दिया,